अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम होंडा CD70 बाइक का चिमटा तब्दील करने का तरीका देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चिमटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका साइलेंसर खोलना पड़ेगा। साइलेंसर चिमटे के सेंटर एक्सल के साथ लगा होता है। यहाँ पर 17 नंबर की चाबी लगती है और साइलेंसर दूसरी तरफ से हेड के साथ अटैच है, वहाँ 10 नंबर की चाबी लगेगी। तो आपने इस तरह से साइलेंसर को निकाल लेना है। दोस्तों, टायर का एक्सल भी 17 नंबर की चाबी से खुलेगा। दोस्तों, ब्रेक पट्टी खोलने के लिए 12 नंबर की चाबी लगती है। ये ब्रेक की केबल का नट है, यहाँ पर 14 नंबर की चाबी लगेगी। और आखिर पर पायदान खोलने के लिए भी आपने 14 नंबर की ही चाबी का इस्तेमाल करना है। चैन कवर के सारे काबले 10 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए खुलेंगे। अब 23 नंबर की गोट और पाने का इस्तेमाल करते हुए करारी वाले हब को निकालें। दोस्तों, बार बार टूटने की वजह से चिमटा चैन एडजस्टर वाली जगह से कई बार वेल्ड हो चुका है। उसके अलावा इसकी ये वाली जगह भी पूरी तरह गल चुकी है और इसमें भी मिट्टी भरी हुई है। तो हमें इस पूरे चिमटे को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी एक एटलस होंडा का ओरिजिनल यूज्ड चिमटा पड़ा था, जिसे मैंने पेंट कर दिया है और मैं अब इसी को इस्तेमाल करूँगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल चिमटा है और इसके बुश, जो चिमटे के बुश होते हैं, वो भी ओरिजिनल ही हैं। दोस्तों, अगर चिमटा ठीक ना हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि टायर पंचर हो और बाइक स्टेबल नहीं रहती। पहले हम 14 नंबर का काबला लगाकर इस ब्रेक पट्टी को चिमटे के साथ फिट करेंगे। दोस्तों, इस पट्टी को चिमटे के साथ आसानी से हरकत करनी चाहिए, वगरना ब्रेक डिस्टर्ब होगी। दोस्तों, सेंटर एक्सल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है या कोई मिट्टी जमी हुई है तो आपने पेट्रोल से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है। दोस्तों, जो वाशर एक्सल के साथ लगी हुई थी वो बुरी तरह से कट चुकी थी, तो अब मैं इसमें नई वाशर लगा रहा हूँ। इसके अलावा एक्सल पर आपने अच्छी तरह से ग्रीस लगानी है और उन बुशेस पर भी जो चिमटे के अंदर लगे हुए हैं, तो इस तरह से चिमटा आवाज़ नहीं करेगा और ज़्यादा अरसे तक चलेगा। साथ ही शॉक्स की वर्किंग भी स्मूथ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब चिमटे को फिट करते हैं।
दोस्तों ग्रारी हब के अंदर इस गोट को लगाने के बाद आपने इसके अंदर इस बुश को लाजमी रखना है। ये वाला बुश अगर नहीं होगा तो ग्रारी हार्ड हो जाएगी और हो सकता है टायर भी मूव ना करे, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।